आपको मिलवाने जा रहे हैं हमारे साथ जो गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं और जिनकी ये कार है, और एक कॉपीराइट अपनी कंपनी आ देखते हैं, और एक कॉपीराइट के एक्सपर्ट हो चुके हैं, लगभग 20 वर्षों से कॉपीराइट के लिए काम कर रहे हैं। इसमें बहुत सारे संतरे लग रहे हैं जबकि फसल आने में भी 2 महीने का समय। सभी को बहुत बहुत नमस्कार, आपका फिर से स्वागत है नए ब्लॉग में। और आज हमारी यात्रा इंदौर से शाजापुर आगर उज्जैन होती है वापस इंदौर की है, और आज हम ट्रेन से और बस से ना जाते हुए डिजायर गाड़ी से जा रहे हैं। इस गाड़ी से आज हम यात्रा पूरी करेंगे। दोस्तों पंपर पेट्रोल भरवा लिया है गाड़ी में और अब गाड़ी बिल्कुल तैयार है आगे की यात्रा पूरी करने के लिए। अब हम आगे अगला शहर देवास आएगा और देवास में आपको देवास की जानकारियाँ देंगे, उसके बाद हम शाजापुर हाईवे पर यात्रा करेंगे। ऊपर दिख रहा होगा ऊपर मंदिर है, और ये रास्ता सीढ़ियों से जाता है, यहाँ से सीढ़ी मार्ग भी है, रोड भी बनाया गया है और रोपवे का निर्माण भी किया गया है इस तरफ, तो वो आपको अभी हम दिखाएंगे रोपवे। और ऊपर माँ विराजमान है पहाड़ के ऊपर, बहुत से श्रद्धालु रोज आते हैं और रोज दर्शन करते हैं, बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है देवास का। आपको हमारे पीछे दिख रहा होगा ये रोपवे का मार्ग है मंदिर जाने के लिए, ये सामने रोपवे लगा हुआ है और है सीधा माता के मंदिर के लिए पहाड़ पर जाता है। और ये आपको दिख रहा होगा सामने, देखिए ऊपर ट्रालियां भी दिख रही होंगी। रोपवे मार्ग बनाया गया है, जो श्रद्धालु पैदल जाने में असमर्थ हैं वो रोपवे के द्वारा यहां से जा सकते हैं। यही रास्ता आगे की ओर शाजापुर के लिए जाएगा। ये NH3 मार्ग है, नेशनल हाईवे 3, ये सीधा आगरा जाता है और यहाँ से आगरा की दूरी लगभग 517 किलोमीटर है। सामने साइन बोर्ड भी लगा हुआ है, आगे मक्सी आएगा उसके बाद शाजापुर आएगा, और शाजापुर से रास्ता सीधा चला जाता है गुना ग्वालियर शिवपुरी आगरा दिल्ली के लिए NH3 निकल जाता है। अभी हम पहुँच गए हैं शाजापुर बाईपास पर, और सामने से आपको जो हाईवे दिख रहा है वो देवास की तरफ से आया है, और वो हाईवे सीधा निकल गया आपको दिख रहा होगा पहाड़ों के पास से, सीधा हाईवे जा रहा है जो ग्वालियर आगरा चला जाएगा NH3 ने। और हम लोग इस तरफ मुड़ेंगे, ये जो रास्ता जाता है ये सीधा शाजापुर शहर के लिए जाता है। पहले शहर हाईवे पर था, जब से विकास किया गया है नेशनल हाईवे 3 का निर्माण 4 लेन में किया गया है, तो हाईवे बाहर से निकाला गया है और शहर अंदर रह गया है। हम लोग अब शाजापुर की ओर निकल रहे हैं और शाजापुर शहर भी आपको दिखाएंगे। शाजापुर शहर का बस स्टैंड यह नेशनल हाईवे 3 पर शहर स्थित है, और ये शहर का ये बस स्टैंड है, ये सीधी रोड जा रही है। बढ़िया शहर है, खूबसूरत छोटा शहर है, साफ सुथरा सिटी है। हमारी यात्रा अब शाजापुर से आगर रोड पर चालू हो गई और हम लोग अब आगर की यात्रा कर रहे हैं। ये रोड सीधा आगर जाता है, स्टेट हाईवे का ये रोड है, और दोनों तरफ खूबसूरत हरियाली है, संतरे के बगीचे भी लगे हैं। सिंगल रोड है, थोड़ी सावधानी से गाड़ी चलाना पड़ रही है। आगर की ओर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, और आप जब भी गाड़ी में यात्रा करें तो सीट बेल्ट का इस्तेमाल जरूर करें। देखिए आप हमारे साथ में जो हमारे सीनियर हैं और कॉपीराइट के एक्सपर्ट हैं, आज हम आपको उनसे मिलवा रहे हैं, वही कार ड्राइव कर रहे हैं और उनकी कार है। ये कार न्यू डिजायर है और इसको वो लगभग 4 वर्षों से चला रहे हैं, और उनके अनुभव अपन सुनते हैं इस वीडियो के माध्यम से। थोड़ा सा क्या ड्राइव भी कर रहे हैं तो थोड़ा ध्यान भी रखना पड़ेगा, आगे मोड़ भी काफ़ी है, और एक कॉपीराइट अपनी कंपनी आ देखते हैं, और एक कॉपीराइट के एक्सपर्ट हो चुके हैं, लगभग 20 वर्षों से कॉपीराइट के लिए काम कर रहे हैं। भविष्य में आपको YouTube पर कॉपीराइट की जानकारी अभी इनके माध्यम से मिलेगी। हाँ जी सर, आपको कैसी लग रही है इस गाड़ी की यात्रा? मैं पिछले 4 वर्षों से ये गाड़ी चला रहा हूँ, इस गाड़ी की ड्राइविंग बहुत अच्छी है, कंफर्ट है, कूल अच्छा है, एवरेज वगैरह बढ़िया है, बढ़िया देती है, कूलिंग वगैरह गाड़ी की एकदम परफेक्ट है।
और स्पीड में जब आप चलाते हैं कोई दिक्कत तो नहीं आती है? नहीं, ये गाड़ी एक नॉर्मल मिडिल क्लास आदमी के लिए बहुत सूटेबल गाड़ी है। अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं मध्य प्रदेश में संतरे की पैदावार और संतरे के बगीचे। लोग नागपुर को संतरों का शहर मानते हैं, लेकिन अभी हम जिस रोड पर यात्रा कर रहे हैं शाजापुर से आगर की रोड पर, उस पर लगभग अभी हमें कम से कम 20 बगीचे देखे हैं। तो मन किया तो यहाँ हम रुक गए हैं और इस बगीचे का आपको वीडियो बनाकर दिखा रहे हैं। इस वीडियो में दिखा रहे हैं हम संतरे के पेड़, और आप देखिए छोटे छोटे फल भी लगने लग गए हैं संतरे के, आपको दिख रहे होंगे सामने। मध्य प्रदेश में इसकी अच्छी खासी फसल होती है। मध्य प्रदेश का ये जो मालवांचल एरिया है आपका, शाजापुर, आगर, मंदसौर, सुसनेर, ब्यावरा, इस वाले जो कृषि भूमि है यहाँ पर संतरे की बहुत ज़्यादा पैदावार होती है और बहुत सारे संतरे लग रहे हैं आपको। हम देखो हमारे जो साथी हैं उन्होंने एक संतरा तोड़ा भी है। कार से यात्रा करने का ये फ़ायदा है कि आप आसपास की हरियाली, खूबसूरती सब देख सकते हैं। हम लोग अब आगर शहर पहुँच चुके हैं और ये आगर का बस स्टैंड है सामने, आगर शहर। यहाँ से एक रास्ता कोटा जाता है, कोटा लगभग यहाँ से 200 किलोमीटर के आसपास है। कोटा राजस्थान का शहर है और ये वाला रास्ता इंदौर के लिए जाता है। इंदौर से लगभग 110 किलोमीटर दूर है आगर। यह इंदौर कोटा नेशनल हाईवे पर स्थित है यहाँ से, और यह आगर शहर मध्य प्रदेश के मालवांचल में स्थित है। जय श्री महाकाल। हम लोग अब उज्जैन शहर पहुंच गए हैं और ये आगर से उज्जैन जो रोड आता है उससे हम उज्जैन शहर में एंट्री कर रहे हैं, और अब आगे आपको हम महाकालेश्वर मंदिर भी ले जाएंगे और थोड़ा बहुत उज्जैन भी घुमाएंगे। हम लोग जहाँ से आ रहे हैं वो पीछे की तरफ स्टेशन से रास्ता आया है और ये सीधा पुल चढ़ के ये सीधा रोड श्री महाकालेश्वर मंदिर के लिए जाता है, और सामने ही पुल उतरते हैं नीचे तो श्री महाकाल लोक जो अभी नया बनाया गया है वो है, और वहीं से रास्ता श्री महाकालेश्वर दर्शन के लिए श्री महाकाल मंदिर के लिए जाता है। ये आप देख पा रहे होंगे तीन तीन डाइवर्सन है यहाँ से, एक लेफ्ट है, एक राइट है, एक स्ट्रेट है। स्ट्रेट रास्ता मंदिर के लिए है और राइट वाला रास्ता ही मंदिर के लिए है। और अभी हम लोग लेफ्ट होके जरा नाना खेड़ा बस स्टैंड तक जा रहे हैं, उसके बाद हम श्री महाकालेश्वर दर्शन के लिए वापस इसी रास्ते पर आएंगे। हम लोग अब पैदल घूम रहे हैं और उज्जैन का ये फ्रीगंज मार्केट है और यहाँ का सबसे अच्छा और सबसे महंगा मार्केट है। यहाँ पे देखो आप, शानदार स्ट्रीट बनी है, दोनों तरफ रोड पार्किंग है और शानदार शॉपिंग की दुकानें हैं, बैंक भी है सामने, आपको दिख रहा होगा साफ सुथरा रोड दिख रहा है सीधा सीधा, दोनों तरफ भी बढ़िया दुकानें हैं। यहाँ पर ये पानीपुरी का ठेला भी लगा हुआ है। उज्जैन का ये फ्रीगंज मार्केट, पुराना शहर है उज्जैन और उज्जैन का काफ़ी पुराना ये मार्केट, फेमस मार्केट है। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों तरफ स्ट्रीट बहुत अच्छी बनी है, रोडें बहुत अच्छी हैं। पार्किंग की जगह थोड़ा सा डिस्टर्ब है यहाँ पर, लेकिन फिर भी बहुत साफ सुथरा और बहुत खूबसूरत शहर बना हुआ है। ये उज्जैन का फ्रीगंज एरिया है। आगे हम लोग बढ़ेंगे और आपको दिखाएंगे, अभी हम चाय पीने जा रहे हैं। हम चाय पीने आए हैं और चाय पी रहे हैं। जय श्री महाकाल। आज हम फिर से एक बार आपको श्री महाकाल लोक के दर्शन कराने जा रहे हैं, जो कि हमारी शाजापुर आगर उज्जैन यात्रा में हो रहा है। हम अपने काम से फ्री हो गए हैं तो भगवान श्री महाकाल के दर्शन करने वापस आ गए हैं, और भगवान शंकर की कृपा सब पर बनी रहे। हम लोग इस समय मुख्य द्वार पर श्री महाकालेश्वर मंदिर, श्री महाकाल लोक के मुख्य द्वार पर पहुंच गए हैं, और ये सामने आपको मुख्य द्वार दिख रहा होगा। यहाँ से हम प्रवेश लेंगे श्री महाकाल लोक में। श्री महाकाल लोक की ये भव्य दीवार जो कि पूरे महाकाल लोक कॉरिडोर को कवर करती है, भगवान शिव शंकर की विशाल प्रतिमा यहाँ पर लगाई गई है। इस कमल सरोवर का नाम इसलिए कमल सरोवर रखा गया है, इसमें कमल के फूल लगाए गए हैं आर्टिफिशियल। सामने भगवान श्री शंकर की विशाल प्रतिमा लगी है, फब्बारे भी लगाए गए हैं, और बहुत ही खूबसूरत ये दृश्य श्री महाकाल लोक के। अभी शाम हो रही है, इस समय धूप भी चली गई है और अंधेरा भी नहीं हुआ है। थोड़ी देर में श्री महाकाल लोक परिसर की लाइटें जल जाएंगी
और ही सुंदर दृश्य यहाँ पर दिखेंगे। त्रिपुरा रुद्र सागर झील की ओर जाने वाला ये रास्ता, और हम लोग रुद्र सागर झील पर पहुँच गए हैं। सामने सिक्योरिटी गार्ड भी बैठे हैं जिसमें कोई पानी की तरफ ना जाए। आप ये देखिए खूबसूरत दृश्य। श्री महाकाल लोक का इधर से मुख्य द्वार है। लोग अभी इधर से आए हैं, ये मुख्य द्वार है, आपको सामने दिख रहा होगा। और ये श्री महाकाल लोक अभी घुमा है, श्री कमल सरोवर भी देखा है, उसका रुद्र सागर झील भी देखी है, और अब सामने की ओर यात्रा हम चालू करेंगे। इधर श्री महाकालेश्वर मंदिर है, श्री महाकालेश्वर मंदिर में भगवान शिव के दर्शन करेंगे। उसके बाद श्री भगवान के दर्शन करने के बाद हम वापस श्री महाकाल कॉरिडोर से वापस होते हुए अपने घर की ओर प्रस्थान भी करेंगे। आप लोग इस ब्लॉग में जरूर बने रहें। श्री भारत माता मंदिर यह बहुत प्राचीन है। इस श्री महाकाल लोक कॉरिडोर में कॉरिडोर का निर्माण बाद में किया गया और ये मंदिर पूर्वत यहाँ पर था। और सामने श्री महाकाल लोक कॉरिडोर का ये रास्ता। लोग अब महाकाल कॉरिडोर के मुख्य द्वार पर पहुँच गए हैं और हम दर्शन करने जाएंगे भगवान श्री महाकालेश्वर भगवान के। और ये मुख्य द्वार है और यहाँ से हम प्रवेश लेंगे, और प्रवेश लेके उसी रास्ते से अंदर जाएंगे और वहाँ से बाहर निकलेंगे। उस तरफ भी श्री महाकाल लोक परिसर का विस्तार किया गया है, वो भी आपको हम बाद में दिखाएंगे। पहले दर्शन करेंगे फिर आपको वो विस्तार दिखाएंगे। फाइनली हमारे आज फिर भगवान श्री महाकाल के दर्शन हो गए हैं और आज हमने फिर से श्री महाकाल कॉरिडोर घूमा है। और ये दिन में घूमना शुरू किया था और अब रात हो गई है, लाइट यहाँ पर जल गई है। रात के दृश्य अद्भुत हैं, अकल्पनीय हैं। हमारी अब यात्रा समापन की ओर है। हम उज्जैन से इंदौर के हाईवे पर हैं और लगभग आधे घंटे बाद करीब करीब 8:30 बजे के आसपास हम लोग इंदौर पहुंच जाएंगे। और आपको हम बताते हैं कि अपने निजी वाहन से जाने के फायदे कितने हैं। हम लोग सुबह 9 बजे निकले थे और रात के 8:30 बजे वापस हम इंदौर पहुंच जाएंगे। हम लोगों ने अपनी वर्किंग में 3 शहर किए, शाजापुर, आगर और उज्जैन। तीनों जगह वर्किंग करने के बाद श्री महाकाल लोक के दर्शन भी किए और रास्ते में रुक के लंच भी किया और वापस समय से इंदौर पहुंच जाएंगे। ये लगभग हमारी 250 किलोमीटर से ऊपर की यात्रा पूरी हो गई है और ज़्यादा खर्चा भी नहीं आया। हम लोग आराम से अपनी बढ़िया कार से यात्रा करते रहे, आसपास के दृश्य भी देखते रहे, बीच में बगीचे भी मिले हैं और शहर भी बढ़िया घूम लिए हैं, अपनी ऑफिस की वर्किंग भी पूरी कर ली है। दोस्तों आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो आप लोग वीडियो हमारा शेयर करें और हमारा चैनल सब्सक्राइब भी करें। और आप सब हमारा परिवार है। जय हिंद दोस्तों, गुड नाइट।